2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर महागठबंधन के अंदर चुनाव लड़ रहे थे। इसी के तहत जौनपुर में एक जनसभा हो रही थी और उस दौरान जनसभा के मंच पर एक ऐसा चेहरा नजर आया जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए थे। चेहरा था वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का। रवीश कुमार को मायावती के पीछे खड़ा हुआ देखा जा सकता था, जिसके बाद तमाम लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए और कहा कि क्या यही निष्पक्ष पत्रकारिता है। हालांकि हम उस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ी भूमिका जरूरी थी, इसीलिए हमने 2019 के इस वाक्य का जिक्र किया। दरअसल खबर अब यह है कि रवीश कुमार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 2022 में आ रहे हैं और ये कहते हुए वो सवाल पूछ रहे हैं कि मीडिया कवरेज से गायब विपक्ष कवर पर अगर अचानक से आने लगे तो क्या इसका मतलब अखिलेश आ रहे हैं। बता दें कि रवीश कुमार उस मीडिया कवरेज की बात कर रहे हैं जिसमें देश की दो प्रतिष्ठित मैगजीन में अखिलेश यादव को कवर पेज पर प्रमुखता से जगह दी गई है। एक मैगजीन का नाम है इंडिया टुडे तो दूसरी मैगजीन है द वीक। इंडिया टुडे ने अखिलेश यादव की फोटो कवर पेज पर छापते हुए उन्हें द चैलेंजर करार दिया है, जबकि द वीक ने अखिलेश यादव को कवर पेज पर जगह देते हुए साइकिल के पहिए का निशान दिखाया है जिसमें घड़ी दिखाई है और उन्होंने फोटो के साथ लिखा है टर्निंग द व्हील, मतलब वक्त का पहिया घूमेगा। इसी खबर को वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने आधार बनाकर सवाल किया है कि कवरेज से गायब विपक्ष कवर पर आने लगा तो क्या इसका मतलब अखिलेश आ रहे हैं। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है जिसमें से हम आपको कुछ पढ़कर बता रहे हैं। रवीश कुमार लिखते हैं, विपक्ष कवर पर आने लगा। पूरे चुनाव के दौरान यूपी के दो अखबारों का कवरेज देखता रहा। ऐसा लगता था कि सपा के अखिलेश यादव 5 सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। गोदी मीडिया ने अखिलेश को गायब कर दिया। अगर अखिलेश चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें इन अखबारों को मंगाकर पढ़ना चाहिए। उससे पता चलेगा कि वो यूपी में इतने बड़े नेता नहीं थे कि अखबार उनकी पार्टी को जगह देते, और यह भी पता चलता कि बिना मीडिया के चुनाव जीत सकते हैं। अगर नए मुख्यमंत्री में यह आत्मविश्वास आ जाए तो सरकार के पैसे से गोदी मीडिया का लालन पालन बंद हो जाएगा और जनता का पैसा बचेगा। अगर योगी जीत गए तब तो कोई बात नहीं, गोदी मीडिया को लेकर अपनी गलतियां जारी रखेंगे। फिर भी मुख्यमंत्री बनने पर योगी इतना तो समझ सकेंगे कि उनके विज्ञापनों का क्या हुआ। कवरेज से गायब विपक्ष कवर पर कैसे आ गया, क्या अखिलेश आ रहे हैं। तो रवीश कुमार ने यह पोस्ट लिखते हुए पूछा है कि क्या अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो मीडिया की कवरेज से गायब थे और अचानक दो बड़ी मैगजीन में उन्हें कवर पेज पर इस तरीके से दिखाया गया है। हालांकि इसके बाद रवीश कुमार को कमेंट बॉक्स में बहुत से जवाब भी मिले हैं, लेकिन इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।